नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हर्षसिंह रुड़की से। आज हम बैठे हैं, हमारे बीच में आए अरविंद कश्यप जी, जो कि भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं और वर्षों से भाजपा में रहकर रुड़की शहर की जनता की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 ऐसी विधानसभाएं हैं उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव नहीं हो पाए, उसमें से एक रुड़की भी है जिस पर भाजपा अपनी कड़ी नज़र जमाए हुए है। पूरे राज्य भर की जो टीम है उनकी सबकी नज़र रुड़की विधानसभा पे है। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है कि अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए थे, हरिद्वार की हार के बाद भाजपा यहाँ पर अपना परचम लहराने में लगी हुई है और कार्यकर्ता सतर्कता से अपने बीच लोगों की, जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाने में मसरूफ़ है और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से यहाँ से भाजपा को विजय दिलाने की कोशिश की जा रही है। उसी श्रृंखला में आज ही हमारा इंटरव्यू है। अरविंद कश्यप जी, आपका स्वागत है चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कश्यप, मैं स्वर्गीय श्री श्यामलाल कश्यप जी का सबसे छोटा बेटा हूँ। रुड़की में हमारा कुंदन स्वीट्स के नाम से बहुत पुराना प्रतिष्ठान है। हमारे दादाजी ने 1912 में अपना मिठाई का काम शुरू किया था, उसको लगातार चलते हुए आज 110 वर्ष के लगभग हो गए हैं। और मैं मानता हूं कि जो हमारे पिताजी ने और हमारे दादाजी ने जो मेहनत करी है वो हम आज देख रहे हैं। हमें पूरी रुड़की का और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है इस काम में। हमारी और भी 2-3 ब्रांचें हैं रुड़की शहर में। मेरे सभी भाई, बड़े भाई दोनों, मेरा बेटा भी इसी काम में लगे हुए हैं। और इसके बाद अभी आप किस पद पर आसीन हैं यहाँ पर रुड़की में? मैं अभी 2 साल पहले व्यापार मंडल का चुनाव हुआ था, उसमें मैं भारी मतों से जीता था। और उससे पहले भी मैं 1988 में चुनाव हुए थे, तब मैं पार्षद का चुनाव लड़ा था, सभासद का। अंबरतला पश्चिमी हमारा गृह क्षेत्र है, मैं वहीं से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनाव लड़ा था और मैं 300 कुछ वोट से तब विजयी हुआ था। अच्छा अच्छा, उसके बाद भाजपा में कब सफ़र आपका शुरू हुआ? उस जीत के बाद ही मैं भाजपा में सक्रिय हो गया था, क्योंकि हमारे जो बोर्ड था उसमें हमारे चेयरमैन तो थे त्रिलोकीनाथ अग्रवाल जी, मगर जो हमारे साथी थे जिसमें रमेश सरीन, दिनेश कौशिक जी और विजेंद्र तायल जी और भी काफ़ी थे हमारे, तो सबकी एक ये थी कि भाजपा जो है ज्वाइन करनी चाहिए, तभी हम भाजपा में लग गए थे। आज मेरे ख्याल 25-26 वर्ष हो गए हैं मैं भाजपा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। आज जैसे कि आप रुड़की शहर की जनता के बीच में एक समाज सेवी के रूप से भी जाने जाते हैं और इस बार नगर निगम चुनाव जो आने वाले हैं उसमें भी आपने दावेदारी की है मेयर की, तो मुझे बताइए कि रुड़की के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और आपके पास किस तरह की स्ट्रेटजी है रुड़की शहर की जनता के लिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो है पानी की निकासी की है और आजकल सबसे एक और बेस परेशानी यहाँ पर जो भी लोगों के सामने फेस करने को मिल रही है वो है जाम की, तो आपने किस तरह से तैयारी की है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी रुचि जो है शुरू से ही, बचपन से ही धार्मिक काम में और जो ऐसे काम होते हैं जैसे रामलीला का हुआ या कोई कथा हुई या कोई किसी तरह के कोई फंक्शन हुए, तो मेरी रुचि शुरू से ही उसी काम में है। मैं लगातार कई वर्षों से रामलीला का अध्यक्ष भी बनता आ रहा हूँ और अब मेरी ये इच्छा है कि मैं जैसे नगर निगम में चुनाव होने जा रहे हैं तो मेरा भी मानना है कि मैं भी मेयर बनकर कुछ शहर के लिए जनता की सेवा करूं। आपको क्या क्या परेशानी नज़र आती हैं रुड़की शहर के अंदर जो आप मेयर बनना चाहते हैं और उनको दूर करेंगे आप? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो है ना पानी की समस्या, जो जल निकासी है वो रुड़की का पूरा सारा सिस्टम खराब हुआ है, सबसे पहले हम उसे ठीक करेंगे। मेरे पास 8-10 बिंदु हैं इस काम में जो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। सबसे पहले यही है कि पानी की निकासी कई वर्षों से मैं देख रहा हूं बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपके पास लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है समाचार इंडिया में, और हमारे साथ हैं अरविंद कश्यप जी, एक समाज सेवी और भाजपा के कार्यकर्ता। जी अरविंद जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार की है शहर की जनता के लिए, जो परेशानियाँ हैं, मूलभूत समस्याओं से जो शहर हमारा जूझ रहा है, उनको लेकर आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मेरा ये मानना है कि जो मुल्की में अभी 5-6 सालों से जो जितना कंजस्टेड हुआ है, इसमें एक तो अतिक्रमण का सबसे मुख्य रोल है। अतिक्रमण हमारे मुख्य जो अपने व्यापारी बंधु ही हैं, हम भी उन्हें बहुत समझाते हैं, मगर धीरे धीरे मान भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मेरा ये है कि एक तो अतिक्रमण पे थोड़ा बिल्कुल साफ सोच हो गए, जिसकी भी जो जस का दायरा है, जो नाली के ऊपर स्लैब है उसके ऊपर तो लगा सकता है, मगर सड़क पर लगाना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जनता को भी परेशानी होती है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। वो फिर इसमें कोई भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा जा रहा है कहीं पे, या कोई स्कूटी जा रही है, बहुत ही आपस में टकराने का डर रहता है। रोड साफ मिलेगी तो रुड़की भी हमारा बिल्कुल क्लियर निकल कर आएगा। और मेन जो है पानी की समस्या, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी जल्दी से जल्दी होगा, जो बड़े बड़े नाले बनने हैं वो मेरे सब जहन में हैं, उनकी जल्दी से शुरुआत करा के एक पानी का निकासी का जो मेन अहम मुद्दा है वो हम जल्दी सुलझाएंगे। अच्छा अरविंद जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रुड़की शहर के अंदर हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और ये समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है पानी की निकासी को लेकर, और हर बार जब चुनाव आते हैं तो ये पहला मुद्दा जनता के पास रहता है, और साथ साथ प्रतिनिधियों के पास भी रहता है मुद्दा, और जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है पानी की निकासी। तो क्या हर बार इसी तरह से इन सभी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? जो और हमारे पास काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हमारे युवा जो यहाँ पर, आप ये देखिए कि इस वक्त की बात अगर की जाए तो उत्तराखंड के अंदर नौकरी नहीं मिल पा रही, रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, उस पर क्यों नहीं चर्चा की जाती? क्या हमारे प्रतिनिधियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे युवा है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है? अगर युवा स्वस्थ होगा, सोच अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि भारत उन्नति करेगा। इस बारे में मेरा कहना है कि जो रुड़की नगर निगम पर जितनी भी ज़मीन पड़ी है, वो ज़मीन हम युवाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोल लेंगे, कोई अच्छी चीज़ें जो युवाओं को रोज़गार मिल सके उसके बारे में मेरा मानना है। और जैसे शहर में नई नई कॉलोनी बनती जा रही हैं, क्योंकि अब रुड़की शहर पहले वाला नहीं रहा, जो आज से 20-15 साल पहले जनसंख्या बढ़ गई है, मकान बन गए हैं, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। तो उस बारे में मेरा मानना है कि रुड़की को सबसे पहले अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा, और जो आजकल थोड़ा रिक्शा विक्शा का भी मामला बहुत चल रहा है, हाँ आजकल जैसे ई रिक्शा, पैडल रिक्शा का जमाना खत्म हो गया, और ये भी थोड़ा सा हमारी रुड़की को बहुत मेन बाजार हो गया, जो घने बाजार हैं जिन पे पैदलों की संख्या ज्यादा रहती है, पदयात्रियों की। उस बारे में मेरा ये है कि जो भी रिक्शा वाला हो, एक तो स्थानीय होना चाहिए रुड़की शहर का, बिल्कुल, और उनके सब रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड रिक्शा होने चाहिए, और ये जब हो जाएगा लागू तो मेरे मानना है कि रुड़की की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे अभी आप रुड़की की समस्या के अंदर जो पानी पीने का आ रहा है उसमें भी काफ़ी दूषित पाया जा रहा है, वो भी कारण इसी यही रहा है कि जो नाले हैं वो चौक हो रखे हैं, या कहीं बाजार के अंदर पानी फैक्ट्रियों का आ रहा है, वो मिल रहा है, इस वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही, गंगा दूषित हो रही है, इस पर भी आप थोड़ा सा कुछ बोलना चाहें तो विभाग बोल सकते हैं चैनल पर। उसके बारे में कहना चाहूँगा, अभी 2 वर्ष पहले ADB ने एक बहुत बड़ी योजना है रुड़की शहर को बहुत सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि जब सीवर लाइन डली थी तब हम बहुत छोटे छोटे, और जनसंख्या भी मेरे ख्याल 50-55 हज़ार थी उस टाइम पे। अब जनसंख्या रुड़की की 1.5-2 लाख के लगभग पहुंच गई है, क्योंकि ये काम भी होना जरूरी था, ADB वाला जो सीवर लाइन है या पाइप लाइन है, ADB वाले काम तो कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा उनकी प्लानिंग जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि उसमें कहीं वो चूक हो रही है। उसमें ये मानना है कि उनसे जल्द से जल्द कह के इस कार्य को ख़त्म करा जाए, और जहाँ पर भी गड्ढे या सीवर लाइन या पाइप लाइन चौक रही है, उनके जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर उस समस्या को, हम वैसे भी मिलते रहते हैं,
एज ए व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते हम जगह जगह उनसे मिलते रहते हैं। जैसे भी हनुमान मंदिर के पास बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था, वो सालों से चल रहा है, तो अभी वहाँ पर ठीक ठाक हो गया है, मगर वो सारा सारा का सारा रुड़की का सीवर जो है ना सब उधर से निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़े पाइप डालने हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। और एडीबी वाले ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं। देखो परेशानी तो होती है, कोई भी कोई नई चीज़ करो आप अपने कहीं भी करें परिवार में, दिक्कत तो थोड़ी आएगी। और जब ये सब ठीक हो जाएगा तो ईश्वर ने चाहा तो रुड़की एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा शहर बन के निकलेगा। आप कुछ जनता को संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, जो आपकी सोच हो, जो आप अपनी सोच को जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि रुड़की के सभी नागरिकों से, एक तो स्वच्छ शहर और सुंदर रुड़की के लिए, अब तो गली गली में नगर निगम की गाड़ियाँ जा रही हैं कूड़े के लिए, अपना कूड़ा करकट जो है रोड पर ना डालें, अपनी गाड़ियों जो गाड़ी जाती है नगर निगम की उसमें डालें। और जैसे अभी मैंने देखा है कि पूना में कुछ एक ऐसा वो चलाया उन्होंने, जो भी कोई थूकता है ना तो वहाँ पर नगर निगम ने अपने आदमी छोड़ रखे हैं, वो एकदम उनके पास जाते हैं, उसको नैपकिन देते हैं और उससे ही साफ कराते हैं। तो उसके बाद मेरा, मैं गया भी उसके बाद, तो ऐसा लग रहा है पूना शहर इतना सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये थोड़ी हमारी गलती है, जब तक हम अपनी गलती को सुधार नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा सभी रुड़की वासियों से निवेदन है कि रुड़की को और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम का सहयोग करें। चलिए धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया के साथ। मेरे साथ कैमरामैन है पवन गुलाटी जी और मैं हर्ष हसीन। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि मत आपका अपना अधिकार है, सोच समझ के दीजिए, विवेक से दीजिए, ये आपके भविष्य का, अपने शहर के भविष्य का काम है। धन्यवाद।